राज्य मार्ग परिवहन महामंडल विभागीय कार्यालय में 2019 में भर्ती हुए लोगों की चालक तथा वाहक पद के लिए प्रशिक्षण होने के बावजूद नियुक्ति नहीं की गई है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट हो जाने के बावजूद आगे की प्रोसेस नहीं की जा रही। MD और DC को भी कई बार निवेदन दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उत्तर नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, पूर्व महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब परिवहन मंत्री अनिल परब को भी कई बार निवेदन दिया गया, लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया गया। अब 28 जून को महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन कार्यालय ने 7 प्रदेशों के लिए 28 जून को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चालक भर्ती शुरू की है, जिसके लिए लोगों ने विरोध जताया है। जिन्होंने 2019 में भर्ती के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, उनका कहना है कि पहले उनकी भर्ती कराई जाए, उसके बाद ही नई तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसके लिए विभाग नियंत्रक को निवेदन भी दिया गया। मैं आकाश अशोकराव गेड़ाम, सरळ सेवा भर्ती 2019 महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन चालक तथा वाहक पदासाठी भर्ती झाली होती। आमचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले आहे, चालक तथा वाहक पदाचे डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन झालेले आहे, मेडिकल झालेले आहे, अद्यापही आम्हाला नियुक्त करून घेतलेलं नाही। आम्ही वेळोवेळी MD साहेबांना निवेदन दिलं आहे, DC साहेबांना निवेदन दिलं आहे, अजूनपर्यंत त्यांच्याकडून असं काही ठोस उत्तर मिळालेलं नाही। मंत्री महोदयांना याच्या आधी जी सरकार होती, महाविकास आघाडीची सरकार होती, परिवहन मंत्री अनिल परब साहेबांना वेळोवेळी निवेदन दिले, अजूनपर्यंत त्यांनी काही असं ठोस उत्तर दिलेलं नाही। आता 28 जूनला महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन कार्यालयाने 7 प्रदेशासाठी कंत्राटी चालक पदाची भरती काढलेली आहे। या भरतीसाठी आमचा विरोध आहे। या भरती करण्याच्या आधी जे महाराष्ट्रातून सरळ सेवा भरती 2019 चालक तथा वाहक पदाचे जे मुलं पात्र ठरलेले आहेत, त्यांना आधी सेवेत सामावून घ्यावं, नंतरच ही कंत्राटी भरती काढण्यात यावी, अशी मी विभाग नियंत्रकाला आता निवेदन देणार आहे, त्याकरिता ते कार्यवाही करतील।